मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि नौकरी वाला बंदा रहेगा तो एक दिन की छुट्टी लेके वो किधर घूमने भी जा सकता है, लेकिन ये भगवान है, भगवान को सुबह शाम आरती करना जरूरी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, कैम छो, जय श्री कृष्ण, मजावा। आज है मंगलवार और समय है अपने पास, आज सिर्फ गांव के मंदिर में आरती करने जाना है, क्योंकि क्या है, रात को हम आए शिवरात्रि की पूजा करके, आरती करके, मतलब सुबह की ही हो जाती आरती, 1 बजे आए, आपने नेक्स्ट ब्लॉग में देखा ही होगा बरोबर। तो फिलहाल चलते हैं गांव के मंदिर में फ्रेंड्स, ओके चलो मिलते हैं गाइस। अभी हमने गांव के मंदिर में आरती कर ली है, दर्शन ले लो आप, अभी हम चलते हैं घर पे, चलो आपको पता है। हे गाइस, फाइनली अभी जस्ट घर पे आ गए, तो चलते हैं घर के अंदर बरोबर, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। हे गाइस, अभी फिलहाल 9:10 हो रही है, मैं सीधा ब्लॉग फलेश्वर मंदिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलते हैं मंदिर खोलते हैं, रात को पूजा करके गए थे, तो चलो चलते हैं, आपको भी दर्शन करवाता हूँ मस्त सिंगार का। वैसे तो रात को दर्शन किया ही था, श्री जी को इतना मस्त सिंगार किया था, तो फिलहाल फिर से करवाते हैं बरोबर। ओम नमः शिवाय। गाइस दर्शन ले लो आप, रात को पूजा करके गए थे, तो चलो मस्त सिंगार किया, देख सकते हो शिव जी का, दर्शन ले लो। ओम नमः शिवाय। गाइस फिलहाल तो मंदिर खोल दिया, आप देख सकते हो, हर महीने ऐसी पूजा करते हैं, बहुत मजा आता है पूरी नाइट शिव जी के साथ रहने का। मैं तो 365 दिन रहता हूँ, मेरे को किधर जाने का समय ही नहीं मिलता, आप जानते हो, अगर मुझे जाना भी पड़ता है तो शाम तक आ जाता हूँ। अब बाई चांस हाँ किसी का, मेरे फ्रेंड का फंक्शन हो गया कि कुछ हो गया, तो 15 दिन पहले शेड्यूल सेट करना पड़ता है मुझे जाने के लिए, तब जाके निकल पाता हूँ, क्योंकि घर पर भी थोड़ा देखना पड़ता है ना फ्रेंड्स। इसके लिए लोग समझते होंगे कि भाई मंदिर मंदिर मुझे समय नहीं मिलता किधर जाने का, क्योंकि ये बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है, जो जिसके हाथ में है ये जवाबदारी वो जानते हैं बरोबर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि नौकरी वाला बंदा रहेगा तो एक दिन की छुट्टी लेके वो किधर घूमने भी जा सकता है, लेकिन ये भगवान है, भगवान को सुबह शाम आरती करना जरूरी है और ये हमारा कर्तव्य भी है और मैं अपनी फर्ज भी मानता हूँ फ्रेंड्स इसके लिए बरोबर। और मुझे बहुत मज़ा भी आता है, गलत नहीं बोलता, मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने जन्म से देखा, अभी से नहीं देखा, मुझे मज़ा भी आता है। मैं किधर भी घूमने जाता हूँ तो पहले फ़ोन करता हूँ, हाँ दियाबत्ती हुआ कि नहीं हुआ, मुझे क्या वो अधूरा अधूरा लगता है, मतलब डेली का आदत गिर गया ना वो चीज़ का मुझे, इसके लिए दूसरा कुछ नहीं। जाता हूँ घूमने, ऐसे नहीं कि नहीं जाता, मुझे फिलहाल जाने का भी है, अभी सब लोग रेडी होंगे तब प्लान बनाएंगे किधर जाने का है, तब तक तो हम भगवान के पास ही है, एनी टाइम भगवान के पास है, ऐसे नहीं, मतलब डेली भगवान के पास ही रहता हूँ, आप जानते हो बरोबर। चलो आप दर्शन ले लो फ्रेंड्स, फिलहाल निकलते हैं थोड़े टाइम में, ओके। थोड़े दिए रख देता हूँ, सब रात को जलाए थे, सब जगह रखता थे, मतलब रख देते साइड पे, अगर हिंदी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना बरोबर। चलो गाइस फिलहाल तो मंदिर खोल के आ गया, अभी चलते हैं घर के अंदर, फिलहाल पापा तो बैठे हैं बाहर, चलो चलते हैं, अभी 10:45 को आया है फ्रेंड्स। गाइस अभी 12:15 रहे हैं, तो फिलहाल चलते हैं थाल धराने बरोबर, उसके बाद वेदिका स्कूल में भी जाना है। चलो गाइस फाइनली थाल धरा दिया है और थोड़ा टाइम रहते हैं, उसके बाद चलते हैं बरोबर, ओके। गाइस फाइनली वेदिका को लेने स्कूल में आ गए, और कैसा कितने पढ़ता है? फिफ्थ में। क्या नाम है? अच्छा चलो मिलते हैं फ्रेंड्स। गाइस फाइनली आ गए वेदिका को लेके, और देखो क्यों, अरे क्यों क्यों पेपर, क्यों क्यों पेपर नहीं होता नहीं। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, फिलहाल खाना पीना करते हैं, भूख लगा है, आप भी कर लो शांति से, चलो टाटा कह दे। आज पागल हो गई है, बहुत मस्ती छूट रही है इसको, चलो। हे गाइस कैम छो, अभी 6:45 रहे हैं, तो फिलहाल है अपने पास समय, देख सकते हो पीछे पूरा शाम हो गया है, पापा भी बैठे हैं, दिख रहे होंगे तो आपको, तो फिलहाल फ्रेंड्स चलते हैं थोड़े टाइम में, ओके। गाइस अभी हमने गांव के मंदिर में तैयारी कर दी है, तो फिलहाल चलते हैं फलेश्वर मंदिर में, चलो। हे गाइस अभी आ गए हम फलेश्वर मंदिर में, तो चलते हैं तैयारी करते हैं, आरती करने के बाद दर्शन करवाते हैं आपको फ्रेंड्स बरोबर। हे गाइस अभी हमने फलेश्वर मंदिर में आरती कर ली है, आप दर्शन ले लो, अभी हम चलेंगे गांव के मंदिर में, चलो। A few moments later. Guys, अभी हमने गांव के मंदिर में आरती कर ली है, दर्शन ले लो आप, अभी हम चलेंगे घर पे, चलो। Guys, finally, अभी जस्ट घर पे आ गए, चलते हैं फिलहाल घर के अंदर,
अभी तो ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो सब लोग स्वेटर जैकेट में मिल रहे मेरे को रास्ते में। चलो चलते हैं, काम करने वाले भी चले गए, आज ज़्यादा काम नहीं था इसके लिए, करेंगे अभी धीरे धीरे काम करेंगे वो लोग। चलो A few moments later. Guys, अभी 9:15 बज रहे हैं, तो खाना पीना तो हो गया मेरा, फिलहाल चलते हैं दीपक भाई के जिम पे, आज दीपक भाई को मिल लेते हैं थोड़ा। अक्षय भाई का तबीयत ख़राब है तो वो तो आराम में है भाई, उनको थोड़ा बुखार जैसा था तो मेडिसिन लाए, अभी आराम में है, इसके लिए उनको परेशान नहीं करूँगा, उनको आराम करने दो, क्योंकि वातावरण ऐसा है कि माहौल ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन आराम करने देते अक्षय भाई को। तो फिलहाल चलते हैं, दीपक भाई को मिलते हैं। ओके, फाइनली दीपक भाई के जिम पे आ गया, और भाई का देखो हैवी वर्कआउट चालू है। कितने कितने का वाला सेट मार रहे दीपक भाई? ओ दीपक भाई धीरे धीरे, या कितने कितने का सेट भाई? सो शादी में दिखना चाहिए ना, शेरवानी फिट आना चाहिए ना पूरा, इसके लिए दूसरा कुछ नहीं, सब झोलमाल है। हाँ दीपक भाई, हाँ निकाल दिया। चलो, और चुलबुल पांडे जी ठीक बा? इस दीपक भाई का वर्कआउट हो गया, और देखो इतने पर्सनल लुक में आ गए, बहुत अच्छे लुक में आ गए हैं, बॉडी बॉडी बाइसेप चेस्ट वेस्ट बॉडी, हम भगवान के आदमी। और आप किसके आदमी? मतलब क्या बोलते हैं आप, समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। फाइनली अभी 10 बज रहे हैं, दीपक भाई टाटा गुड नाइट शुभरात्रि, अभी हम भी घर पे चलते हैं। देखो सब जिम बंद हो गया है, बहुत बात कर ली, टाइम भी निकल गया, पता नहीं चला फ्रेंड्स, चलो घर पे चलते हैं। आई फाइनली अभी जस्ट घर पे आ गया, और बहुत बातें की दीपक भाई के साथ बैठ के। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। शांति से खा लेना, शांति से सो जाना, कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।